दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक और मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है एमएससी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। अगले दोस्तों 3-4 मिनट के अंदर मैं आपको इस कोर्स की तमाम अहम इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड है तो प्लीज ये वीडियो पूरी देखें, ये वीडियो आपके लिए है। और कोई मिलने वाला है आपका वो भी इस कोर्स में इंटरेस्टेड है तो प्लीज उस तक भी आप ये वीडियो जरूर पहुंचा दें, इससे उसकी भी हेल्प हो जाएगी। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर आप दबा दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के तमाम अहम नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 550 रुपये है। आपको 550 रुपये करना पड़ेगा इसके फॉर्म के लिए। 2 साल से दोस्तों ये कोर्स है जो इसका, और 4 सेमेस्टर दोस्तों ये कोर्स सेल्फ फाइनेंस मोड में चलता है और इवनिंग मोड में है। दोस्तों ये सेल्फ फाइनेंस थोड़ा महंगा होगा, ये बताऊंगा इसकी फीस आएगी कितनी, आप वीडियो पूरी देखते रहें। दोस्तों इसकी जो नंबर ऑफ सीट्स है 50 है और दोस्तों इसका जो टेस्ट इस बार होगा वो 31 जुलाई को टेस्ट होगा और इसका जो रिजल्ट आएगा पहले जो लिस्ट आएगी जहाँ पर इंटरव्यू के लिए जिनको कॉल आएंगे उनका नाम आएगा, तो ये आपको 19-8 लगभग 20 दिन के अंदर आपको ये मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसका इंटरव्यू जो होगा वो 26 अगस्त से होगा और जो इसकी फाइनल लिस्ट आएगी दोस्तों वो 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में दोस्तों आपको इसमें आपको दिखाई देगी जहां पर आपका फाइनल कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। तो सब मैं बात करूंगा इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स अगर आपके हैं मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स अगर आपने पढ़ी है 12th या ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप इस कोर्स के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। उससे बात करते हैं इसके, अब जो इसकी फीस है अगर आपका इसमें एडमिशन हो जाता है तो आपको इतनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों ये थोड़ा महंगा कोर्स है तो आपको इसकी दोस्तों फीस जो है ईयरली वो 74,350 रुपीज है, 74,350 रुपये फीस आपको पे करनी होगी। उसमें मैं बात करता हूँ इसके अब सिलेबस के बारे में। तो टेस्ट जो होगा इसका वो 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का दोस्तों इसका टेस्ट है। मैंने बताया आपको इसका जो टोटल मार्क्स है वो 100 है, जहाँ पर 80 मार्क्स का जो है वो होगा आपका MCQ और 20 मार्क्स का आपका दोस्तों इंटरव्यू होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको 0.25 इसमें नेगेटिव मार्क मिली है, अगर आपको 4 सवाल गलत हो जाते हैं 4 आंसर तो आपका एक सही नंबर भी चला जाएगा। तो इसका जो 80 मार्क्स का जो मतलब किस सेक्शन में कितने नंबर का आएगा वो भी आप देख लें। तो इसमें रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो 20 मार्क्स का होगा, क्वांटिटेटिव टेक्निक से मैथमेटिक्स कहते हैं इसको 20 मार्क्स की होगी दोस्तों, जनरल अवेयरनेस ऑफ मतलब कंप्यूटर ICT एंड इंटरनेट ये दोस्तों 20 नंबर का होगा, और कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस ये भी दोस्तों 20 मार्क्स का होगा। तो 80 मार्क्स दोस्तों ये आपका टेस्ट इसका होगा, बाकी जो है 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। दोस्तों ये तमाम मैंने आपको अहम जानकारी इस कोर्स के बारे में दे दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मैं बहुत अच्छी वीडियोज लगातार यहाँ लेके आता रहता हूँ कि आपको आपके एडमिशन या आपका जो करियर है उसमें आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।